हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो अपलिफ्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू फेक सम कीज़ आर नॉट वर्किंग ऑन योर विंडोज़ लैपटॉप और पीसी। तो अगर आपके साथ भी सेम इश्यूज़ आ रहे हैं जहां पे आपके कीबोर्ड में कुछ कीज़ वगैरह काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो पूरा पासवर्ड डाल के, या कुछ भी ट्राई कर रहे हो ओपन करने के लिए लेकिन आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो 4 से 5 सोल्यूशन आपसे मैं शेयर करूँगा जिन्हें अप्लाई करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अगर फिक्स होती है तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर अभी भी इश्यूज आएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अगर आप लॉगिन स्क्रीन पे स्टक हैं तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एक ह्यूमन आइकन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, चाहे विंडोज 10 हो या 11 हो, ये आपको ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इनेबल कर लेना है। तो हम वर्चुअल कीबोर्ड की वजह से पहले लॉगिन कर लें अपने कंप्यूटर में। तो आप पासवर्ड वाले बॉक्स पे क्लिक करो और उसके बाद जो भी पासवर्ड है आपका उसे यहाँ से टाइप कर लो, और फिर यहाँ पे एरो आइकन पे क्लिक करो और ये अब आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने विंडोज़ आइकन पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा डिवाइस मैनेजर, इस पर आप क्लिक करो। डिवाइस मैनेजर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है कीबोर्ड का सेक्शन, कीबोर्ड पे आप डबल क्लिक करो और जो भी आपका कीबोर्ड है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। सबसे पहले आपको उस पर राइट क्लिक करना है और चूज़ करना है अपडेट ड्राइवर, फिर चूज़ करना है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, और जो भी आपका यहाँ पे अगर अपडेट अवेलेबल होता है तो वो अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट होता है तो उसके बाद आप दोबारा चेक करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है, कीज़ वगैरह काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर अभी भी नहीं करती हैं तो इसे आप यहां से क्लोज कर दो और इस पर अगेन राइट क्लिक करो और चूज़ करो अनइंस्टॉल डिवाइस। दोबारा से अनइंस्टॉल पे क्लिक करो। अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट करने के बाद ये आपका ड्राइवर दोबारा से रीइंस्टॉल हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जहां तक है फिक्स हो जाएगी। अगर अभी भी इन केस नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट सोल्यूशन जो होगा उसके लिए दोबारा से विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करो और चूज़ करो सेटिंग्स। सेटिंग्स में आने के बाद फ्रॉम लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको मिलेगा कीबोर्ड, और यहाँ पे नीचे आने पे आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर कीज़ का ऑप्शन मिलेगा। अब देखना है यहाँ पे आपको कि अगर फ़िल्टर कीज़ ऑलरेडी आपका यहाँ पे टर्नड ऑन है तो इसे आपको डिसेबल कर देना है। ठीक है, अगर ये ऑन है तो इसे आपको ऑफ कर देना है। अगर ऑलरेडी ऑफ है तो आप एक बारी ट्राई करो इसको ऑन करके। ठीक है, इतना करने के बाद चेक करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर अभी भी नहीं होती है तो अगेन यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे इसको आप इनेबल कर दो, वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा। अब वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से हमें विंडोज सर्च पे टाइप करना है टास्क स्पेस और एफ की प्रेस करनी है, और यहाँ पर आपको सजेशन में मिलेगा टास्क शेड्यूलर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे आप मिनिमाइज़ कर दो, टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी पे डबल क्लिक करो, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे, फिर विंडोज़ पे, और यहाँ पे आपको ढूंढना है टेक्स्ट सर्विसेज फ्रेमवर्क करके। तो आप इसे यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड कर लो ताकि आपको पूरा दिखे, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करो नीचे की तरफ और ढूंढनी है सर्विस टेक्स्ट सर्विसेज फ्रेमवर्क, मिलने पर आप उस पर डबल क्लिक करो, और राइट साइड में आपको ढूंढना है इनेबल का ऑप्शन। अगर वो यहाँ से डिसेबल है तो आप इसे इनेबल करो पहले। इनेबल होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रन के ऊपर, और जैसे ही रन हो जाए दोबारा से इसको क्लोज कर दो और चेक करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। अगर अभी भी नहीं होती है तो दोबारा से आप अपना वर्चुअल कीबोर्ड ओपन करो, विंडो सर्च पर क्लिक करो और यहाँ पर टाइप करो अपडेट, और सजेशन में चूज़ करो चेक फॉर अपडेट्स। तो विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो चेक फॉर अपडेट पे, और ये चेक करेगा अगर आपके पास अपडेट अवेलेबल है तो काइंडली आप अपने विंडोज़ को अपडेट करो। अपडेट करने के बाद और दोबारा से चेक करो, आपकी प्रॉब्लम जहाँ तक है फिक्स हो जाएगी। अगर इन केस अभी भी नहीं होती है तो लास्ट आप क्या कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा पावर रिसाइकिल। तो अपने लैपटॉप में आप जो भी डेटा वगैरह आपका ओपन है पहले आप उसे सेव कर लो। सेव करने के बाद आपको प्रेस करना है पावर बटन और होल्ड करके रखना है। तो पहले आपका जो कंप्यूटर है लैपटॉप है वो शटडाउन होगा, उसके बाद भी आपको होल्ड करके रखना है अगले 10 से 12 सेकंड। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका पावर है वो टोटली तरीके से रिसाइकल्ड हो जाएगा, और इतना होने के बाद आप अपने कनेक्टर को अपने अडैप्टर को दोबारा प्लग इन करो, और प्लग इन करने के बाद
स्टार्ट करो कंप्यूटर को और देखो कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं हुई है। तो इतना करने के बाद मैं बहुत श्योर हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए काम किया है, और अगर अभी भी आपको इश्यूज आ रहे हैं तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको अभी भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, और मैं आपका श्योरली जवाब दूंगा उस पर। और अगर वो आपके लिए हेल्प करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।